नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे गाड़ी विखंडन या ट्रेन पार्टिंग GR 6.08। आज की क्लास के मुख्य हेतु हैं ट्रेन पार्टिंग क्या है। ट्रेन पार्टिंग होने पर चालक, गार्ड तथा गेटमैन के कर्तव्य। फिर हम देखेंगे अगर बैकिंग इंजन लगा है तो उसके चालक के कर्तव्य, और अंत में हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। तो आइए सबसे पहले देखेंगे ट्रेन पार्टिंग क्या है। गाड़ी का चलते चलते अपने आप दो भागों में बंट जाना, इसे ट्रेन पार्टिंग कहा जाता है। अब हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर चालक के कर्तव्य। ये है लोको पायलट श्री अकबर खान और ये है गार्ड साहब श्री मनोज शर्मा, जो कि 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस लेकर जा रहे हैं। इन्होंने चार्ज लेकर इगतपुरी से अपनी ट्रेन स्टार्ट की। जैसे ही कोठी स्टेशन गाड़ी पास हुई, किलोमीटर 150/2 के पास लोको पायलट ने पाया कि उनकी ट्रेन दो भागों में बंटकर चल रही है। उन्होंने फौरन इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन कर दी और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बार बार बजाना शुरू किया और गार्ड के सिग्नल के लिए पीछे की ओर देखते रहे। गीतांजलि एक्सप्रेस के गार्ड साहब श्री शर्मा जी ने जैसे ही लंबी छोटी सीटी सुनी तो तुरंत बाहर आकर इसकी पावती देने के लिए एक हरा सिग्नल क्षैतिज रूप से हिलाकर गाड़ी खंडित होने की पावती दी। अगर यह रात का समय होता तो एक सफेद बत्ती ऊपर नीचे क्षैतिज रूप से हिलाकर गाड़ी खंडित होने की पावती दी जाती। गार्ड साहब फिर तत्परता से अपने ब्रेक यान के ब्रेक लगाने हेतु अंदर चले गए। लोको पायलट खान साहब अपने गाड़ी को तब तक चलाते रहे जब तक कि पिछला हिस्सा पूरी तरह रुक नहीं गया। गाड़ी के दोनों हिस्से रुक जाने पर सबसे प्रथम SR 6.03 के अनुसार बचाव किया जाएगा। इसके पश्चात यदि संभव है तो दोनों हिस्सों को सुरक्षित और उचित प्रकार से जोड़ा जाएगा। मालगाड़ी के मामले में पिछले हिस्से में 10 या उससे कम चार पहिया वाहन या 5 या उससे कम 8 पहिया वाहन है तो उसे जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि GR 6.09 गाड़ी विभाजन के नियमानुसार क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर बैकिंग इंजन लगा है तो उपरोक्त कम वाहन होने पर भी पिछला लोड जोड़ा जा सकता है। आइए अब हम ट्रेन पार्टिंग होने पर गेटमैन के कर्तव्य जान लेते हैं। इसी बीच अगर ट्रेन गेट पास होती है और गेटमैन देखता है कि गाड़ी दो भागों में बंटकर चल रही है तो वह चालक व गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी व रात्रि में सफेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। गेटमैन अगर देखता है कि पिछला हिस्सा आने में अभी समय है तो सामने पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा। अब हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर बैकिंग इंजन चालक के कर्तव्य। यदि गाड़ी में पीछे बैकिंग इंजन लगा है और उसके चालक को ट्रेन पार्टिंग का पता चलता है तो वह पिछले हिस्से को रोकेगा तथा अगले चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बजाएगा, जिसे सुनकर अगला चालक इसकी पावती लंबी छोटी सीटी बजाकर देगा, फ्लैशर लाइट ऑन करेगा तथा अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुक न जाए।
अब हम देखेंगे ट्रेन पार्टिंग होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। स्टेशन मास्टर यदि देखता है कि गाड़ी दो भागों में बंटकर चल रही है, तो वह चालक व गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी व रात में सफेद बत्ती को ऊपर नीचे हिलाएगा। अगला हिस्सा जाने के बाद यदि पिछला हिस्सा आने में समय है, तो पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा। यदि गाड़ी दो भागों में ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाए, तो अगले स्टेशन मास्टर को ब्लॉक उपकरण पर 6-3 बीट देगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन को 6-3 बीट देकर पावती देगा और दोहरी लाइन खंड में विरुद्ध दिशा से जाने वाली गाड़ी को रोकने के लिए प्रस्थान सिग्नलों को ऑन कर देगा तथा उसे तब तक रवाना नहीं करेगा जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि लाइन साफ है। स्टेशन मास्टर जिसे 6-3 बीट संकेत प्राप्त हुआ है, वह विखंडित गाड़ी के अगले हिस्से को स्टेशन पर लेने के लिए तुरंत कार्यवाही करेगा। पिछले हिस्से के लिए कांटे, सैंड हम या डिरेलिंग स्विच वाली लाइन की ओर लगाएगा। अगर यात्री गाड़ी हो तो आगे जाने दिया जाएगा। यदि पहला हिस्सा लेने के बाद कोई लाइन खाली न हो, तो पिछले भाग को पटरियों पर मिट्टी के ढेर लगाकर रोकने की कोशिश करेगा और ब्लॉक वर्किंग मैनुअल 4.11 के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि पहले भाग को रोकने पर पिछले हिस्से की उससे टकराने की आशंका हो, तो पहले भाग को रोका नहीं जाएगा बल्कि दोनों भागों को स्टेशन से जाने दिया जाएगा, बशर्ते अगला ब्लॉक सेक्शन साफ हो और उसमें उतार न हो। ऐसे समय गाड़ी के चालक तथा गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी व रात में सफेद बत्ती को ऊपर नीचे करेगा। अगर अगला ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है, तो पहले हिस्से को रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगा। यदि स्टेशन से गाड़ी रवाना होते समय ही विभाजित हो जाए और चालक अगले हिस्से के साथ आगे बढ़ जाए, तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को 6-3 घंटी संकेत देने की बजाय 6-1 घंटी संकेत देगा। तो आइए इस क्लास में हमने क्या सीखा, इसे संक्षिप्त रूप में देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि ट्रेन पार्टिंग क्या है। ट्रेन पार्टिंग होने पर चालक, गार्ड, गेटमन तथा बैकिंग इंजन के चालक के कर्तव्यों का अभ्यास हमने किया और अंत में हमने देखा कि ट्रेन पार्टिंग होने पर स्टेशन मास्टर किस प्रकार कार्य करेगा। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।